यहाँ पर मैं बात करूँगा एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यू लैन के बारे में, यानी कि यहाँ पर बताया जाएगा एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वह क्यों होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वो ये है कि जब भी रेडियो कवरेज यानी कि सिग्नल कवरेज होता है किसी भी सेल के अंदर या फिर किसी भी नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो जो नोड्स होते हैं, ठीक है, जो नोड्स होते हैं यानी कि जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में कर सकते हैं कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन के। वो आपस में क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पर रेडियो वेव्स की, ठीक है, रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स जो होते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स जो होते हैं दीवार के आर पार भी जा सकते हैं, ठीक है, दीवार के आर पार भी जा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेनिट्रेट वॉल्स, है ना, दीवार के आर पार भी जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रेडियो वेव्स के जो सेंडर और रिसीवर्स होते हैं, रेडियो वेव्स के लिए जो सेंडर और रिसीवर्स होते हैं उन्हें किसी भी जगह पे प्लेस किया जा सकता है, ठीक है, उन्हें किसी भी जगह पे प्लेस किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सेंडर्स और रिसीवर्स होते हैं जो कि रेडियो वेव्स को सेंड या फिर रिसीव करेंगे, वो नॉन विजिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आपको रेडियो वेव्स के रिसीव करने वाले ना ही रिसीवर दिखाई देगा, ना ही रेडियो वेव्स का आपको सेंडर दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेडियो वेव्स के जो भी सेंडर और रिसीविंग डिवाइसेस हैं, है ना, वो आप वॉल्स के इनसाइड, है ना, वॉल्स के इनसाइड में भी आप क्या कर सकते हो, उन्हें इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। इस्टेब्लिश हम कर पाते हैं इनसाइड वॉल्स फॉर द रेडियो वेव्स। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम इनसाइड वॉल्स इस्टेब्लिश करते हैं सेंडर और रिसीवर फॉर द रेडियो वेव्स, तो उस केस में क्या हो जाता है, कभी कभी वायरिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, ठीक है। वायरिंग जो है वो डिफ़िकल्ट या मुश्किल क्यों होती है, यदि जो भी हम फायरवॉल बना रहे हैं यदि वो बिल्डिंग्स को सेपरेट कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, वायरिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। यानी कि हो सकता है आपको दो डिफरेंट बिल्डिंग्स के बीच में फायरवॉल लगाना पड़े, ठीक है। जो रियल फायरवॉल्स होते हैं, है ना, जो रियल फायरवॉल होते हैं वो ब्रिक्स से बने हुए होते हैं, ठीक है, जो रियल फायरवॉल होते हैं वो ब्रिक्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यदि हम बोलते हैं कि हम पेनिट्रेशन ऑफ फायरवॉल करें, ठीक है, अब इसमें पेनिट्रेशन ऑफ फायरवॉल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन ऑफ फायरवॉल जो है वो तभी परमिटेड होता है, तभी इसकी अनुमति होती है जब किसी न किसी सर्टेन पॉइंट्स पे या फिर निश्चित पॉइंट्स पे हमको प्रिवेंट करना है फायर को, है ना, आग लगने से बचाना है, ठीक है, आग लगने से बचाना है और आग को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने से बचाना है, ठीक है, तब जो है पेनिट्रेशन ऑफ फायरवॉल पॉइंट्स की इजाज़त मिलती है, ठीक है। जो सेकेंड एडवांटेजेस है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, वो है प्लानिंग, ठीक है। तो यदि हम प्लानिंग को एज ए एडवांटेजेस बताते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ वायरलेस एडॉक नेटवर्क्स ही ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं एक ऐसा कम्युनिकेशन। सिर्फ और सिर्फ वायरलेस एडॉक नेटवर्क्स ही ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ऐसा कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई भी प्रीवियस प्लानिंग इंक्लूड ना हो, ठीक है,
यानी कि आप बिना किसी प्रॉपर या प्रीवियस प्लानिंग के भी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स से जुड़े हुए वायरलेस एडॉप नेटवर्क्स में आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बोल दिया कि वायरलेस एडॉप नेटवर्क्स में आप बिना किसी प्रीवियस प्लानिंग के आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसी प्लानिंग को वायर्ड नेटवर्क के टर्म्स में देखो, इसी प्लानिंग को यदि आप वायर्ड नेटवर्क के टर्म्स में देखो तो क्या होगा। ठीक है, वायर्ड नेटवर्क में हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं वायरिंग प्लान, यानी कि हम किसी वायर्ड नेटवर्क में जो हमारा प्रपोज नेटवर्क है उसमें हम कितनी एरिया तक वायरिंग करेंगे वो कहलाता है हमारा वायरिंग प्लान। ठीक है, जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो डिवाइसेस होते हैं वायर्ड नेटवर्क में, ठीक है, वो सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो वही रहेगा, वायर्ड नेटवर्क में भी वही रहेगा और वायरलेस नेटवर्क में भी वही रहेगा। यदि हम वायर्ड नेटवर्क के बारे में और प्लानिंग की बात करें, तो कभी कभी हमें क्या होता है, हमें जितना हमने केबलिंग का प्लान बनाया था पहले से, ठीक है, तो उसमें कभी कभी हमें कुछ एडिशनल केबलिंग भी करनी पड़ जाती है। ठीक है, जो हम एडिशनल केबलिंग करते हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना है कि हम राइट प्लग्स का यूज़ करें और प्रॉबेबली जितना हो सके, जिसे हम बोलते हैं प्रॉबेबली, मतलब जितना हो सके हम इंटरनेटवर्किंग यूनिट्स, जैसे कि हम स्विचेस का यूज़ कर पाएँ तो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो एडवांटेजेस पे चर्चा की है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड, वो थे फ्लेक्सिबिलिटी और प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, वो है डिज़ाइन। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो है डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यह समझना होगा कि जो हमारे पास वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो हमें इस चीज़ की अनुमति देते हैं, इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं कि हम डिज़ाइन कर सकें एक स्मॉल या फिर इंडिपेंडेंट डिवाइस। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क जो होते हैं वो हमें इस बात की अनुमति देते हैं, इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप डिज़ाइन कर सको स्मॉल या फिर इंडिपेंडेंस डिवाइस। ठीक है, या फिर इस फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे डिवाइसेस को बोल सकते हैं जिन्हें आप पॉकेट में रख सकते हो, इजीली आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो वायरलेस नेटवर्क हमें इस तरीके के डिवाइसेस बनाने की अनुमति देता है, अलाउंस देता है। ठीक है, अब यदि हम इसी को वायर्ड नेटवर्क के केस में देखें, यदि हम डिज़ाइन को वायर्ड नेटवर्क के केस में देखें, तो जब भी हम केबल का यूज़ करेंगे तो केबल जो होता है वो ना सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूज़र को कि वो लिमिटेड एरिया में ही कम्युनिकेशन कर सकता है, बल्कि साथ ही साथ जो स्मॉल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के जो डिज़ाइंस होते हैं उन्हें भी अलाउ नहीं करता उतना। ठीक है, जब भी हम एक वायरलेस नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो एक वायरलेस नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, हिडन कर सकते हो, छुपा सकते हो। ठीक है, अलग अलग पुराने बिल्डिंग्स में आप छुपा सकते हो, है ना, बिल्डिंग्स में आप छुपा सकते हो इन्हें, सेंडर्स और रिसीवर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो करेंट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, इसे आप यूज़ कर सकते हो बिना विजिबिलिटी को ऑन किए। ठीक है, यानी कि आप करेंट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो
बिना डिवाइसेस को विजिबल किए, है ना, बिना डिवाइसेस को विजिबल किए। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का वो है रोबस्टनेस। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का वो है रोबस्टनेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भी हमारे पास वायरलेस नेटवर्क्स हैं, जो भी हमारे पास वायरलेस नेटवर्क्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। किस केस में सर्वाइव कर सकते हैं, जो भी हमारे अलग अलग डिज़ास्टर आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, जैसे कि हो गया अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, उससे क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जो वायरलेस नेटवर्क हैं वो डिज़ास्टर के केस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका अर्थक्वेक, या फिर ऐसा हो सकता है कि सपोज़ यूज़र ने एक प्लग को क्या कर दिया, पुल कर दिया। ठीक है, एक प्लग को क्या कर दिया, पुल कर दिया, उस केस में भी वायरलेस नेटवर्क क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं कि वायरलेस नेटवर्क्स सर्वाइव कर रहे हैं, यदि हम बोलते हैं कि वायरलेस नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, यदि वायरलेस नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी डिवाइसेस हैं यदि वो सर्वाइव करते हैं, यदि वो सर्वाइव करते हैं तो लोग यानी कि पीपल आसानी से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। यदि मान लीजिए किसी भी नेटवर्क में, आप वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हो, और अचानक से कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई भूकंप आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो नेटवर्क है, वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट एडवांटेजेस के बारे में जो कि संबंधित है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से। वो एडवांटेज क्या है, वो एडवांटेज है आपका कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, अब यदि हम कॉस्ट से बात करें, ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब होता है मनी। ठीक है, मनी मैटर। ठीक है, जब भी हम वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, किसे प्रोवाइड कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट। ठीक है, जब भी हम वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट किसी भी फर्स्ट यूज़र के लिए। ठीक है, तो हमने तो शुरुआत में क्या किया, एक यूज़र को हमने प्रोवाइड करा दिया, है ना, वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक यूज़र के लिए। ठीक है, अब यदि आप उसमें कुछ एडिशनल यूज़र्स जोड़ रहे हो, किसी भी वायरलेस नेटवर्क में, तो यहाँ पर जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो सेम बना रहेगा। जितना आपको कॉस्ट एक यूज़र को ऐड करने में लगा, उतना ही कॉस्ट जो है आपको अदर्स यूज़र्स को ऐड करने में भी लगेगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है कि एक यूज़र को ऐड करने में भी सेम कॉस्ट लगा और अदर एडिशनल यूज़र्स को यूज़ करने में भी सेम कॉस्ट लगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कुछ लेक्चर हॉल हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा लेक्चर हॉल है जिसमें कई लोग लेक्चर सुनने के लिए बैठे हैं और कुछ लोग लेक्चर देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, और दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो सपोज़ है होटल लॉबी का, है ना, होटल की लॉबी में कई सारे लोग या तो वेट कर रहे हैं या फिर आपस में बातचीत कर रहे हैं, या फिर गेट एरिया हो गया, ठीक है, या फिर गेट एरिया हो गया कहाँ का गेट एरिया हो गया, एयरपोर्ट का गेट एरिया हो गया, जहाँ से कई लोग गुजरते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ पीपल्स रहेंगे, उनकी संख्या जो रहेगी, ठीक है, वो लगातार वेरी करती रहेगी, लगातार बदलती रहेगी। ठीक है, यदि मान लीजिए हमने एक लेक्चर हॉल के लिए, एक फिक्स्ड नेटवर्क यूज़ किया है, वायर्ड नेटवर्क यूज़ किया, ठीक है, तो क्या होगा, जिस भी सीट पे कोई ना कोई पर्सन बैठा है, ठीक है, मान लीजिए 50 सीट है, 50 पर्सन बैठे हुए हैं, तो हर सीट पे आपको एक
प्लग देना पड़ेगा। हर सीट पे क्या देना पड़ेगा, आपको एक प्लग देना पड़ेगा जिससे कि नेटवर्क को एक्सेस किया जा सके, ठीक है, जिससे कि नेटवर्क को यूज़ किया जा सके। अब क्या होगा, मान लीजिए कुछ पर्सन जो है लेक्चर हॉल बीच में लीव करके चले गए, है ना, लेक्चर हॉल को बीच में छोड़ के चले गए, तब उसमें क्या होगा, यदि हमने क्या किया होगा शुरुआत में, हमने सारे पर्सन को स्विच दे दिया, ठीक है, तो बाकी स्विचेस क्या हो जाएंगे या बाकी प्लग्स क्या हो जाएंगे, वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि सारे नेटवर्क एक्सेस पॉइंट जो है एक्सेस नहीं होंगे परमानेंटली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो भी हम लगातार प्लगिंग करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, यदि हमने प्लगिंग किया है, ठीक है, प्लगिंग किया है और बार बार हम अनप्लगिंग कर रहे हैं, ठीक है, बार बार हम अनप्लगिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको नेटवर्क का कॉस्ट भी बचाना है, ठीक है। तो यदि आप बार बार प्लगिंग और अनप्लगिंग करते रहेंगे तो बाद में क्या होगा, जो प्लग्स हैं, जो नेटवर्क के प्लग्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है वायरलेस कनेक्शंस के केस में नहीं होता है, ठीक है, वायरलेस कनेक्शंस के केस में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वायरलेस कनेक्शंस में वायर्स तो काफ़ी मिनिमल रहते हैं या फिर नहीं होते, ठीक है। तो उसमें कितने भी यूज़र प्लस या माइनस होते रहें, उससे नेटवर्क पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।